बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे उसका नाम है फाइल हैंडलिंग इन एफएमएस, यानी कि फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर फाइल्स को कैसे हैंडल किया जाता है। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर डाटा जो है फाइल्स के अंदर स्टोर होता है, और फाइल के अंदर डिफरेंट रिकॉर्ड्स होते हैं, और रिकॉर्ड के अंदर जो है उसके रिलेटेड फील्ड्स होते हैं। जो फील्ड होता है वो फिक्स लेंथ फील्ड भी हो सकता है, वो वेरिएबल लेंथ फील्ड भी हो सकता है। हर फील्ड का अपना नाम होता है, हर फील्ड की अपनी लोकेशन होती है, और अपना जो है वो स्टार्टिंग एड्रेस होता है। अपनी उसकी लेंथ और स्टार्टिंग एड्रेस के जरिए से उसको मेमोरी लोकेशन के ऊपर लोकेट किया जा सकता है, और उसका जो नेम होता है उसके जरिए से उसे एक्सेस एंड रिट्रीव किया जा सकता है, उसको सेव और रिट्रीव किया जा सकता है। आज की वीडियो में यही कुछ जाना था। इसको मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि फाइल जो है फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर कैसे हैंडल की जा सकती है। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर डाटा को फाइल्स के अंदर स्टोर किया जाता है, फाइल्स के अंदर रिकॉर्ड्स होते हैं, और रिकॉर्ड्स के अंदर उसकी रिलेटेड फील्ड्स होती हैं। फील्ड्स वेरिएबल लेंथ फील्ड भी हो सकती है, और कांस्टेंट लेंथ फील्ड भी हो सकती है, जिसको हम फिक्स लेंथ फील्ड भी कहते हैं। तो इस फील्ड को उसके एड्रेस और उसके स्टार्टिंग एड्रेस और उसकी लेंथ से उसको मेमोरी लोकेशन दी जा सकती है कि ये इस मेमोरी लोकेशन पर स्टोर होगी। उसका जो नाम है उस नाम के जरिए से उसको एक्सेस किया जा सकता है या फिर सेव किया जा सकता है। यही मैं मज़ीद आपको डायग्रामेटिकली भी दिखा देता हूँ।